हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बिग अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है आपके लिए भर्तियों की सौगात लाने जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि योगी जी ने बोला था कि आपका यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 40,000 से ज़्यादा भर्तियाँ अभी भी आनी बाकी हैं। तो उसके अंतर्गत जो भी भर्तियाँ होंगी, उनमें आज जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी यूपी ट्रिपल एससी से जो होनी है, वो है आपकी 19,143 पदों के लिए भर्तियाँ, जो कि समूह गा के अंतर्गत आएंगी और जिनका रिक्रूटमेंट इसी समूह गा के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी 19,143 पद के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ही की जानी है। तो इसके बारे में आपको पूरी अपडेट मैं देता हूँ, और किस विभाग के अंतर्गत आएगी ये, वो भी मैं आपको पूरा ब्यौरा बताता हूँ। तो जो लोग नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो है आपका उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जिसके अंतर्गत समूह खा और गा की वैकेंसी आनी है। समूह खा की जो वैकेंसी है, वो यूपीपीएससी के थ्रू की जाएगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू, और जो आपकी समूह गा की वैकेंसी है, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा पूरी की जाएगी। तो समूह गा और खा को मिला के आपकी 20,000 के लगभग में वैकेंसीज बैठेंगी। तो आपको इसमें जो बताता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी से निकलने वाली वैकेंसी हैं, तो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के समूह खा और गा के पदों पर भर्तियाँ आप आयोगों के माध्यम से होंगी। समूह खा के रिक्त पदों पर भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के माध्यम से की जाएंगी। वहीं समूह गा की भर्तियाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी करेगा। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन परिवहन विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब चंदौली में बस स्टेशन व डिपो कार्यशाला के निर्माण के लिए कृषि विभाग की चिन्हित भूमि परिवहन निगम को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। अब आप देख सकते हैं, जो आपके लिए मेन है वो ये है, परिवहन निगम में समूह खा के 187 और समूह गा के 19,143 पद हैं। समूह खा के सहायक प्रबंधक वाणिज्य व सहायक प्रबंधक प्राविधिक जैसे पदों पर अब तक यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्ती होती थी, अब यूपीपीएससी के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। ठीक है, तो 19,143 पदों पर आपकी भर्ती होनी बाकी है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, समूह गा की 19,143 पदों पर भर्ती जो है, ये यूपी ट्रिपल एससी करेगा, और 187 पदों पर समूह खा की यूपीपीएससी करेगा। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, आपको बिल्कुल रेडी रहना है। आप देख सकते हैं, समूह खा के पद गा के पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्तियां अब ली जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है, और आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, और ये वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है, और जो भी जानकारी मिलेगी आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।